प्रिय विद्यार्थियों, आरसीए की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स माइनस टू की पावर 25, 10 माइनस, या आप इसको लिखो 1 माइनस एक्स की पावर 50 और एक्स माइनस 7 की पावर 105, और ये आपका है ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन है, अब इसे देखिए ध्यान से। देखो, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे x से, हमारा ये स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन यहां क्या आ गया 1 माइनस एक्स, तो इसे किसमें बदलेंगे, x माइनस 1 में। ध्यान देना, x माइनस 2 की पावर 25। अब ध्यान दो इसको, देखो 1 माइनस एक्स तो क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां से क्या हुआ, माइनस कॉमन लो, x माइनस 1, कंप्लीट यहां तक। उसके बाद देखो, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं, माइनस एक्स माइनस 1 और इसका मैं स्क्वायर करके और मैं उसकी घात 25 कर दूं, तो बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या। देखो स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में। देखो ना, 25 दूना 50 ही तो होता है, और वही तो घात है, तो x माइनस 1 का घात 50 आया कि नहीं आया, तभी तो। और वैसे ही आप जानते हो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कहने का मतलब यह है कि अंदर अगर माइनस भी आया हो तो घात सम है, तो भी क्या बन जाएगा, प्लस का बनेगा। नहीं समझ में आया, तो देखिए 1 माइनस एक्स है, आप क्या लिखोगे, माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां से आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 1 ये दिख रहा है ना। तो जो 50 था ना, इसको मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2 और 25, तो देखो माइनस एक्स माइनस 1 ना दिख रहा है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, और उसकी घात क्या है, 25। अब देखो 25 दो 50 वही आ गया, अब इसको करोगे तो क्या आएगा, इतने को करोगे इसको तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, और आपको पता है ये घाते क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, 50 और x माइनस 7 की पावर 105 ग्रेटर देन 0। मतलब कहने का केवल इतना है कि अगर किसी एलिमेंट के पावर में अगर सम है तो वहां नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वो पॉजिटिव ही बन जाता है। वो आपने देख भी लिया कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 होता है। जैसे 50 था, मैंने उसको क्या किया, 2 यहां लगाया, 25 ऊपर लिख दिया, इसका स्क्वायर करोगे x माइनस 1 का स्क्वायर आया, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 25 से, तो x माइनस 1 की पावर क्या आएगा, 50। तो देखिएगा ध्यान से आगे, इसके आगे कैसे होगा, देखिए ध्यान से, यहां पर ये माइनस इन्फिनेटिव है, यहां पर ये इन्फिनेटिव है। उसके बाद देखो क्रांतिक बिंदु कैसे लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 7, अब तो आपको आ गया होगा, तो 1, 2, 7, उसके बाद ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन पे क्या आएगा, ब्लैंक सर्किल आएगा ना, ब्लैंक सर्किल बना दो। अब तो आपको समझ में आने लगा होगा, ये ब्लैंक सर्किल डार्क सर्किल, कब प्लस लेते हैं, कब माइनस लेते हैं, कब कौन सा ब्रैकेट लेंगे, केवल ब्रैकेट का ही खेल है यहां पर। अगर आपने ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट की जगह एक भी आंसर में छोटा ब्रैकेट लगा दिया, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे ना वो 0 मिलेगा। इसलिए बहुत ही बारीकी से इन चीजों को सीखना है। अब देखो यहां पर प्लस लगाते हैं, फिक्स है, 7 कहां से आया, यहां से आया, 7 कहां से आया, यहां से आया, इसकी पावर क्या है, विषम, आप ये मत बोलो 105 है, विषम, विषम है तो चिन्ह में परिवर्तन होगा, प्लस माइनस हो गया। अब 2 कहां से आया है, 2 यहां से आया है, इसकी पावर क्या, 25, क्या है, विषम, माइनस था वो किसमें बदल गया, प्लस में। ऐसे देखो 1 कहां से आया, यहां से आया, और इसकी पावर क्या है, 50, 50 क्या है, सम, तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर क्या होगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है।
तो ये आपको साइन यूज करने हैं, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, और एक इसमें देखिएगा ध्यान से, ये भी आपका आंसर होगा। प्लस वाला आपको सेलेक्ट करना है, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन पे क्या आएगा पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये भी आंसर है। तो देखिए अब आंसर क्या निकल के आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से वन, फिर उसके बाद वन से टू, देखो माइनस इनफिनिटी से वन, वन से टू, और सेवन से लेकर कहां तक जाना है इनफिनिटी का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी पे छोटे ब्रैकेट आएंगे, ये रहा। उसके बाद जहां आपका ब्लैंक सर्किल है, ब्लैंक सर्किल है ना, इन पे क्या आएगा, ये छोटा ब्रैकेट आएगा, और ब्लैंक सर्किल है वहां पे क्या आएगा, छोटे ब्रैकेट। तो देखो ये छोटा ब्रैकेट, ये सब पे छोटा है क्योंकि पॉइंट तीन है, तो इनको क्या कर दो यूनियन, और ये आपका क्या आ गया आंसर। तो सुनिए अब ध्यान से, अब आज तक का जितना भी पढ़ाया उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाली क्लास है उस क्लास से हम परिमेय पद लेंगे और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी लेंगे, और भी काफी वैरायटीज बच रही हैं उनको पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।